तो यार कैसे हो? तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि नया इवेंट आया है। इवेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो खोलेंगे तो आपको पहला पहला यही इवेंट दिख जाएगा, ग्रेविटी स्पाइक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रेविटी स्पाइक्स को आपको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, आपको वो कैसे मिलेगा एंड कैसे आप इजीली इन मिशन को कम्प्लीट करके अपना ग्रेविटी स्पाइक्स ले सकते हैं एंड क्या ये यूज़फुल है और एज एन ऑपरेटर स्किल, ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो ये वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आओ यार सब्सक्राइब बटन के ऊपर नारियल फोड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पर इवेंट प्रोग्रेस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0/100 बता रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कुछ टास्क तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। बट काफ़ी लोग सोच रहे थे कि टास्क तो सिर्फ 10 दिए हैं तो यहाँ पर 100 कैसे होंगे, क्या हम लोग को 10 बार ऐसे करना पड़ेगा या क्या? बट नहीं गाइज, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो टास्क दिए हैं उसके वहाँ पर एकदम छोटे से इसमें दिया हुआ है कि कितने टास्क करने पे आपको वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-10 लिखा है एंड ऊपर की तरफ 5 लिखा है, तो वो है इवेंट के पॉइंट्स, यानी कि आप वो कंप्लीट करेंगे तो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आप वो पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे तो आपको आउट ऑफ 100 पॉइंट्स ये सब पॉइंट्स धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप लाइन में ही लिखा हुआ है कि कंप्लीट वेरियस टास्क टू अर्न न्यू ऑपरेटर स्किल ग्रेविटी स्पाइक्स, प्लीज़ नोट दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर एवरी टास्क मे वेरी। तो आपको यहाँ पर जो टास्क दिख रहे हैं उसमें जो वहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से ही मिलने वाले हैं गाइस, 10-10 एक एक इसके, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो आपको बस ये कंप्लीट करने हैं, आपको ये सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। तो इन टोटल करेंगे तो आप आता है 100। तो पहला आता है आपने जो ये देखा उसको आपको क्या करना है, कोई भी मल्टीप्लेयर मैच खेलना है, आपको टोटल 10 मल्टीप्लेयर मैच खेलने हैं एंड आपका जो 2-3 मिशन है वो तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। एंड देन अगर आप वो 10 में से 5 जीत जाते हैं तो और आपके और एडिशनल 3-4 कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको कोई भी मैच आप खेलना चाहे वो खेल सकते हैं, जैसे कि फ्रंट लाइन, स्टिक्स एंड स्टोन्स, आप कुछ भी खेल सकते हैं इसमें एंड अपना जो मिशन है वो ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्री फॉर ऑल भी है, डोमिनेशन भी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, आप इनमें से जो खेलना चाहे खेले। 10 मैचेस कंप्लीट करने हैं, उसमें से अगर आप 5 जीत गए तो आपके ऑलमोस्ट 6-7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट आती है जो बात, वो है ऑपरेटर स्किल यूज़ करने हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं ऑपरेटर स्किल्स क्या होते हैं अगर जिसको नहीं पता है क्या होते हैं ऑपरेटर स्किल्स। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप आ गए मल्टीप्लेयर मोड में। तो जैसे आप अपना लोडआउट खोलेंगे यहाँ पर जो स्काउट दिख रहा है उसके नीचे आपको दिखाएगा ये आपका ऑपरेटर स्किल। तो गाइस इसमें आप ट्रांसफॉर्म शील्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप इससे किल नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपके काफ़ी कम मिशन होंगे। इसके बजाय मैं आपको एडवाइस करूँगा आप स्पैरो, टेम्पेस्ट ये सब का यूज़ करें एंड इससे आप ईजिली अपने सारे के सारे मिशन कम्प्लीट कर सकते हैं। बस आपको ये सब यूज़ करना है एंड देन आपको ये जो ग्रेविटी स्पाइक्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो मिल जाएंगे काफ़ी ईजीली। एंड जो लास्ट में लास्ट आता है जो इसमें दिया हुआ है इवेंट में जो लास्ट टास्क दिया हुआ है हम लोग को वो है किल एनिमीज। तो जैसा कि आप 10 मैच खेलेंगे तो उसमें आपको 15 के एवरेज से हर मैच में आपको 15 किल करने हैं एंड उसमें से आप 5 अगर मैच जीत जाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सब किल्स, सब अपने टास्क हो जाएंगे। तो आप जहाँ पर देख सकते हैं सब टास्क होने के बाद आपको खाली लॉगिन करना है 3 दिन तक। तो लॉगिन आपको एज सच कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर इवेंट में आना है एंड आपको देखना है कि आपका यहाँ पे वो जो प्रोग्रेस बार है लॉगिन इन टोटल ऑफ 3 डेज का वो बड़ा है या नहीं एंड देन 3 दिन के अंदर आप उसको ईजिली कलेक्ट कर पाएंगे एंड ये सबसे ईजी है और इसके 50 पॉइंट्स है एंड जो बाकी सब टास्क है उनके सब के मिला के 50 पॉइंट्स है। तो आपको ये यूज़ करना है छोटे छोटे मैप्स में, ना कि बड़े वाले मैप्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिया यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्रैश मैप, तो यहाँ पर आप अगर क्रैश मैप में देखिए जैसे कि यूज़ करते हैं ये चीज़ तो मुझे कैसे एक ही किल मिला। बट देन मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि छोटा मैप है किल हाउस, तो आप उसमें अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप ईजिली ज़्यादा किल ले पाएंगे। तो आपको ये ऑपरेटर स्किल यूज़ करना है छोटे छोटे मैप्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार दिया है 3-4 लोगों को एक साथ। तो अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ लाइक किया क्या गाइस, कहाँ पर जाना मत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इतना एंड तक आपने देख ही लिया है तो मुझे ज़रूर पता है कि आपको हमारे और भी वीडियोज़ में इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एंड यहाँ पर कोई भी रैंडम वीडियो जो आपको यूट्यूब सजेस्ट करेगा आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।